हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज, कंप्यूटर टीचर शहीद मक्खन सिंह, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास प्लस टू चैप्टर 5 विंडोज मूवी मेकर पार्ट 2 में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फिलिप्स एंड ट्रू फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 इज व्हेनेवर यू कॉपी और मूव वीडियो क्लिप ऑन द स्टोरी बोर्ड एनी एडेड डैश इज आल्सो कॉपीड। आंसर इज वीडियो इफेक्ट। मींस कि जब आप मूवी मेकर के अंदर किसी भी वीडियो क्लिप को स्टोरी बोर्ड पर कॉपी या मूव करते हो तो उसके साथ साथ जो वीडियो इफेक्ट्स हैं वो भी कॉपी हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डैश रिमूव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स मटेरियल। आंसर इज ट्रिमिंग। जो ट्रिमिंग कमांड है उसका काम क्या है कि अगर आपने जो सोर्स फाइल पड़ी है वहां से कोई इंफॉर्मेशन रिमूव करनी है मूवी मेकर में लाके तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, ट्रिमिंग। थर्ड फिलिप इज वी कैन एड ए डैश आफ्टर ए क्लिप इन द मूवी टू इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट क्लिप। नेक्स्ट क्लिप को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप क्या यूज करते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं टाइटल, क्योंकि टाइटल से पता चल जाता है कि हमारी नेक्स्ट क्लिप कौन सी होगी। नेक्स्ट इज फोर्थ वी कैन यूज डैश मूवी ऑप्शन टू सेव इट। कि मूवी मेकर के अंदर अगर आप किसी मूवी को सेव करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज करोगे, उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे फिनिश मूवी कमांड। बाकी सॉफ्टवेयर में सेव कमांड यूज होती है बट मूवी मेकर में फिनिश कमांड यूज होती है मूवी सेव करने के लिए। फिफ्थ फिलिप इज फॉर एडिटिंग अ क्लिप डैश इज ए नेसेसरी प्रोसेस। मूवी मेकर के अंदर अगर आप किसी क्लिप को एडिट करना चाहते हो तो उसके लिए जो कमांड यूज होती है उसको बोलते हैं सप्लिट कमांड या सप्लिटिंग कमांड। सप्लिटिंग कमांड का एक और काम है कि ये किसी मूवी को डिवाइड करने के काम भी आती है। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज ऑडियो क्लिप्स कैन ओनली बी एडेड इन द टाइमलाइन व्यू। आंसर इज ट्रू, क्योंकि मूवी मेकर के अंदर जो गाने हैं जो ऑडियो क्लिप्स हैं वो सिर्फ टाइमलाइन व्यू में ही ऐड हो सकते हैं, स्टोरी बोर्ड व्यू में ऐड नहीं हो सकते। नेक्स्ट द सेव्ड मूवी कैन बी प्लेड ऑन द वेब पेज और कैन बी ईमेल्ड बट इट कैन नॉट बी एडिटेड। आंसर इज फॉल्स। इसका मतलब यह है कि मूवी मेकर के अंदर यह कह रहा है कि हम जो मूवी है जो क्लिप है उसको वेब पेज पे भी देख सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं बट उसको चेंज नहीं कर सकते, ये गलत है। जबकि मूवी मेकर के अंदर हम किसी भी मूवी को एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजिशंस आर स्टोर्ड इन द वीडियो ऑडियो ट्रांजिशन फोल्डर इन द कलेक्शन पेन। आंसर इज फॉल्स। जो ट्रांजिशंस हैं वो ऑडियो वीडियो फोल्डर में स्टोर नहीं होते जो कि कलेक्शन पेन में होता है। नेक्स्ट इज वीडियो इफेक्ट्स प्रेजेंट इन द वीडियो इफेक्ट फोल्डर कैन बी एडिट। आंसर इज ट्रू। इसका मतलब है कि मूवी मेकर के अंदर एक वीडियो इफेक्ट्स नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर जितने भी इफेक्ट्स हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये राइट आंसर है, ट्रू है। नेक्स्ट इज इन मूवी मेकर यू कैन नॉट म्यूट साउंड्स। कि मूवी मेकर के अंदर हम किसी वीडियो या ऑडियो की साउंड को म्यूट नहीं कर सकते, ये गलत है। मूवी मेकर के अंदर हम साउंड को म्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन प्ले म्यूजिक इन आवर मूवी एट एनी टाइम। मीन्स कि मूवी मेकर के अंदर हम अपने मूवी के ऊपर गाना किसी भी टाइम पे प्ले कर सकते हैं, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट इन मूवी मेकर वी कैन नॉट एड ट्रांजिशंस। ये कह रहा है कि मूवी मेकर के अंदर हम ट्रांजिशंस या एनिमेशंस नहीं लगा सकते, ये गलत है। मूवी मेकर के अंदर हम ट्रांजिशंस और एनिमेशंस लगा सकते हैं। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सुजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब
नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।